In today's video, we are going to learn classification on the basis of mode of origin. इससे पहले आपने classification on the basis of period of origin भी पढ़ लिया आपने, right? और formation वाला भी पढ़ लिया आपने और location वाला भी पढ़ लिया, right? अब आपको एक पढ़ना है, वो है on the basis of mode of origin. Mode of origin मतलब किस तरीके से originate होते हैं, और पीरियड ऑफ ओरिजिन मतलब कि किस पीरियड के दौरान वो ओरिजिनेट होते हैं. तो उसमें पहला आता है वोल्केनिक माउंटेन्स. वोल्केनिक माउंटेन्स आपके क्या होते हैं? ये वो माउंटेन्स होते हैं जो आपके वो वोल्केनिक मटेरियल्स जो होता है ना, जो वोल्केनिक मटेरियल निकलते हैं, इसके मैग्मा हो गया, लावा हो गया, आपके कुछ रॉक्स हो गए, उन सब के पाइलिंग की वजह से बनता है. पाइलिंग मीन्स इकट्ठा हो जाना. तो एक तरफ ऊपर के ऊपर इकट्ठा होते 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 जो माउंटेन क्रिएट होता है उसको वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं. चले इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. दे आर नोन एज माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ द पाइलिंग ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स दैट हैड डिपॉजिट अराउंड द जोन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन. ओके, तो मतलब वोल्केनिक इरप्शन के जो पास में अगर पाइलिंग इन वोल्केनिक मटेरियल्स के पाइलिंग की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से जो माउंटेन बनते हैं उसे कहते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन्स. व्हेन द मैग्मा इज इजेक्टेड टू द अर्थ सरफेस एज अ वोल्केनिक इरप्शन इट इरप्ट्स एज लावा एश टफेशियस मटेरियल एंड वोल्केनिक गैसेस. तो ये आपके फ्यू मटेरियल्स हैं जो कि वोल्केनोज से निकलते हैं. तो वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनके पाइलिंग की वजह से होता है? वो मटेरियल्स हैं आपके लावा, ash, tufaceous materials and volcanic gases. ठीक है ना. अब gases के piling से तो नहीं होगा, पर यहाँ पर बता रखा है कि ये जो है volcanic eruptions के दौरान eject होते हैं ये सारे materials. ठीक है ना. तो volcanic mountain आपको easily समझ में आ रहा होगा नाम से ही, the mountain that are created by the piling of volcanic materials. सिर्फ main heading याद रखनी है आपको, बाकी आप answer को बढ़ा तो अपने आप सकते हैं, राइट? तो अपने आप इसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल के, ताकि आंसर थोड़ा सा बिग हो जाए. बस इतनी एडिशनल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द बीनीथ द अर्थ मेक्स इट्स वे टू द सरफेस एंड फॉर्म्स अ कोन. और ये माउंटेन्स आपके तब फॉर्म होते हैं जब मैग्मा जो है मतलब बहुत गहराई से ऊपर तक आता है और एक कोन शेप ले लेता है. इट फॉर्म्स अ कोन शेप. टफ कंप्राइजेस पोरस रॉक ऑफ वोल्केनिक एशेस कंसिस्टिंग स्मॉल पार्टिकल्स लेस देन 2 millimeters. अब आपका टफेशियस मटेरियल क्या होता है? उसके अंदर वो रॉक्स आती हैं जो 2 millimeter से कम साइज की होती हैं. ठीक है ना. तो वो रॉक्स आती हैं आपकी जो 2 millimeter से कम साइज की हों, तो उनके भी पाइलिंग की वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं. द डिपॉजिटेड मटेरियल अराउंड द वेंट इंक्रीजेज इन हाइट पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स. तो जैसे जैसे ये मटेरियल्स और इकट्ठा होते जाते हैं तो ये माउंटेन की जो है लेंथ या हाइट जो भी कहो बढ़ती जाती है. जैसे आपका ये वॉल्केनो है, अब यहाँ से वॉल्केनो से इजेक्ट हुआ, ठीक है ना, यहाँ से इनके सारे मटेरियल्स लावा, ऐश, टफेशियस मटेरियल्स सब के सब एक एक करके इजेक्ट हुए, तो अब माउंटेन्स बनने की संभावना किधर किधर है? इधर, राइट, एंड इधर, इन दोनों साइड्स पे हैं. या फिर एक ही तरफ से अगर निकले तो एक ही तरफ बन सकता है. अभी जैसे जैसे करके डिपॉजिट होंगे, मान लीजिए फर्स्ट इरप्शन पे कुछ ऐसे से करके इतने डिपॉजिट होंगे, फिर अब ऐसा तो है नहीं कि माउंटेन ये वोल्केनो सिर्फ एक ही बार इरप्ट करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में. नो, तो बहुत बार करता है. अब सेकेंड वाले टाइम में कुछ और इरप्ट किया, फिर कुछ और इरप्ट किया, देखिए इतना छोटा सा तो माउंटेन बन ही गया, फिर ऐसे करते 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 इतना सा तो माउंटेन बन जाएगा लगभग. तो इस तरीके से पाइलिंग होते होते, एक्यूमुलेशन होते होते इन माउंटेन्स का क्रिएशन क्या होता है? वोल्केनिक माउंटेन्स. अब इसकी एग्जांपल समझिए. डेकन वोल्केनीज इन इंडिया, फुजियामा इन जापान, इन दो को याद रख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है. ओके, फुजियामा इन जापान एंड डेकन वोल्केनीज इन इंडिया. नेक्स्ट आपका आता है इरोशनल माउंटेन्स. दे आर कंसिडर्ड टू बी रेमिनेंट्स ऑफ द फाइनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन जब कोई माउंटेन बन जाता है तो उसका जो फाइनल फेज होता है उसका बचा हुआ हिस्सा उसको इरोशनल माउंटेन्स कहते हैं. या मैं थोड़े और आसान भाषा में कहूँ कि जो आपका माउंटेन बन चुका, माउंटेन बनने के बाद उस पर इरोशन होगा, उस पर वेदरिंग तो होगी होगी, तो उस इरोजन की वजह से जो माउंटेन बना थोड़ा सा हाइट में कम हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट हो जाएगा, एंड मेनी थिंग्स कैन हैपन.
तो उसके बाद जो माउंटेन आपका बना उसको इरोजनल माउंटेन्स कहेंगे. सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द रेमिनेंट ऑफ द फाइनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द माउंटेन फॉर्मेशन. तो माउंटेन फॉर्मेशन के जो बाद रेमिनेंट्स कुछ बचा हुआ हिस्सा अगर रह जाता है इरोजन के बाद तो वो आपका इरोजन माउंटेंस कहलाया जाता है. दीज माउंटेंस आर फॉर्म्ड विद द ओल्ड माउंटेंस. ठीक है ना, ओल्ड माउंटेंस फॉर्म्ड बाय द मैग्मेटिक इंट्रूजन. व्हाट डज इट मींस? इट मींस द सेम एज वॉल्केनिक माउंटेंस. मैग्मेटिक इंट्रूजन मतलब कि वही इकट्ठा हो जाना और मैग्मा का उसमें रॉक्स के अंदर घुस जाना. ठीक है, तो दीज आर कॉज्ड बाय द मैग्मेटिक इंट्रूजन गेट इरोडेड टू द प्रेजेंट डे एलिवेशन ऑफ बाय द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑल्सो ड्यू टू द आइसोस्टेटिक रीएडजस्टमेंट. क्या कहने की कोशिश है यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली इतना बताया है कि जो माउंटेन पहले बना हुआ था मैग्मेटिक इंट्रूशन की वजह से वो धीरे धीरे करके इरोड होना स्टार्ट होता है और इरोड होते होते आज की प्रेजेंट डे एलिवेशन मतलब कि प्रेजेंट डे की जो लेंथ है या जो हाइट है वहाँ तक पहुँच जाता है. जो प्रेजेंट डे की जितनी भी हाइट है वहाँ तक पहुँच जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? विंड हो सकती है आपकी, वाटर भी हो सकती है. तो ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से धीरे धीरे करके उसके एलिवेशन जो होगा कम होता जाएगा और फिर प्रेजेंट डे एलिवेशन पे पहुंच जाएगा. और ये किसकी वजह से भी होता है? आइसोस्टेटिक रीएडजस्टमेंट की वजह से भी होता है. किसकी वजह से? आइसोस्टेटिक रीएडजस्टमेंट मीन्स अपने आप को ही रीएडजस्ट करना, वो चीज़. इसीलिए इसको हम डोम शेप भी कहते हैं एंड आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द अप वार्पिंग ऑफ एक्सपोज सरफेस. और किसकी वजह से बनते हैं? जो एक्सपोज सरफेस होता है उसकी अप वार्पिंग होना. अप वार्पिंग का मतलब वही चीज़ होती है कि जो एक्सपोज सरफेस है उसका इरोजन होना. ठीक है ना, उसकी वजह से ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. डोम माउंटेन्स आर ओरिजिनेटेड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा पुशेस अप फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट बट एक्चुअली डज नॉट रीच द सरफेस टू इरप्ट. Rather, it cools and hardens below the surface and takes the shape of a dome. Dome-shaped mountains तब originate होते हैं जब बहुत amount में magma बहुत अंदर से गहराई से ऊपर आता है erupt होने के लिए और earth crust पर पहुँचता है. But वो ऊपर तो आता है पर actual में पहुँच नहीं पाता है, इतनी मुश्किल क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ऊपर बहुत सारी rocks होती हैं. तो जिसके पास जिस magma के पास इतना potential इतना pressure होता है ना तो वही erupt हो पाता है, वरना बाकी लागवा इरप्ट नहीं हो पाते. बट एक्चुअली दिट डज नॉट रीच द सर्फेस टू इरप्ट. और होता क्या है फिर जब पहुंचते नहीं है तो वहीं पर कूल डाउन हो जाते हैं, तो वहीं पर ठंडे हो जाएंगे, हार्डन हो जाएंगे, तो अंदर ही एक डोम शेप माउंटेन क्रिएट कर लेंगे बिलो द सर्फेस. ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलो द सर्फेस. ओके, सर्फेस के बिलो ही एक डोम शेप क्रिएट कर देंगे एंड दे टेक्स द शेप ऑफ अ डोम. और इन्हीं डोम शेप माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? अप वार्प्ड माउंटेन्स या फिर इरोजनल माउंटेन्स. ओके, नाउ सिंस ये जो डोम है वो सराउंडिंग से थोड़ी सी ऊपर होती है तो इरोजनल यहाँ पे वर्क करता है, इनके टॉप पे वर्क करता है, तो उसको सर्कुलर एक माउंटेन रिज दे देता है. ठीक है ना, क्या देता है? एक सर्कुलर माउंटेन रिज बना देता है इसको. क्यों बना देता है? क्योंकि इरोजनल वर्क्स करते हैं. नाउ एग्जांपल क्या है इसका? माउंट आबू इन राजस्थान एंड सिंसिनाटी डोम इन USA. सो दीज आर टू एग्जांपल्स, यू हैव टू लर्न इट. नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोल्ड माउंटेन्स पे. फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? दीज आर कॉमन एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स. ये आपके मोस्टली अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्ट करते हैं. तो मतलब जहाँ पे भी अपलिफ्टेड मतलब कि ऊपर उठी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी वो पाइल्ड हो जाएंगी या फिर कंबाइंड होंगी, उनको फोल्ड माउंटेन्स कहेंगे हम. हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ह्यूज पाइल डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्री रॉक्स और इन द ओशनिक बेसिन फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स कॉजेज द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स. मतलब कि कुछ रॉक्स आपकी मिलियन ऑफ ईयर से ओशन बेसिन पे डिपॉजिट होती जा रही थी धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ पर क्या हुए, रॉक्स की फोल्डिंग क्रिएट हो गई. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये अर्थ के मूवमेंट की वजह से रॉक्स जो हैं वो अपलिफ्ट होती गई टू द कंसिडरेबल हाइट एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन. मतलब कि टाइम पास होते होते जो रॉक्स थी उनका और अपलिफ्टमेंट होने लगा एक कंसिडरेबल हाइट तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. नाउ द कोलिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉजेज द अपलिफ्टिंग एंड द फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट.
अब जब ये इसका एक और रीज़न है किसकी वजह से हुआ था, जब कोलिजन होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का तो एक प्लेट ऊपर जाती है और एक प्लेट उसके नीचे धंसती है। तो जो प्लेट ऊपर जाती है आप उसको समझ लीजिए कि वो यहाँ पर फोल्डिंग प्लेट थी। तो जब फोल्डिंग होता है क्रस्ट का वो क्रिएट होता है जिसकी वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। लाइक मैं आपको और डायग्राम से समझाऊँ, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को आप इस तरीके से समझ लीजिए, हालांकि होते तो नहीं है पर इस तरीके समझ लीजिए, ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अब इनका क्या हुआ, कोलिजन हुआ ठीक है, अब इनका कोलिजन हुआ मतलब आपस में टकराएंगे ये इस तरफ और ये इस तरफ। इनके कोलिजन की वजह से क्या होगा, एक लेयर जो है वो नीचे चली जाएगी और दूसरी लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगी ठीक है ना, इस तरीके से। और मान लीजिए अर्थ सरफेस कुछ इधर तक है तो अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ ये ठीक है ना, ये एलिवेशन क्रिएट हुआ कुछ ना कुछ, यही एलिवेशन धीरे से जब ये कोलिशन जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो यही जो आपका एलिवेशन है वो माउंटेन का फॉर्म ले लेता है, इतना बड़ा माउंटेन। और इसके नीचे ये वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो सबसाइड रहती है, मतलब कि धसी हुई रहती है। तो इस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। अभी आगे कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी आएगी ना तो आप उसमें अच्छे से समझिएगा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी तो अच्छे से समझिएगा, उसमें बिल्कुल यही चीज़ एक्सप्लेन करेगी बहुत डीपली। इसके हाँ इसकी कुछ चीज़ें और रह गई हैं। द कोलिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉज द अपलिफ्टिंग ऑफ फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सिंस द माउंटेन्स आर फोल्डेड इन नेचर दे आर नोन एज डायस्ट्रोपिक माउंटेन्स। ये फोल्डेड होते हैं नेचर में इसलिए इनको डायस्ट्रोपिक माउंटेन्स कहते हैं। नाउ इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हिमालयाज इन इंडिया एंड एल्प्स इन यूरोप, हिमालयाज इन इंडिया एंड एल्प्स इन यूरोप। ओके नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द फोर्थ टाइप ऑफ माउंटेन दैट इज रिफ्ट वैली और द ब्लॉक माउंटेन्स। माउंटेन्स जो रिफ्ट वैली सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं या फॉल्ट ब्लॉक या ब्लॉक माउंटेन्स के सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं उसको रिफ्ट वैली या फिर ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इन सबको ना आप नेम से आराम से लिख सकते हो, इट्स कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने का। बस मैं कहती हूँ आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग्स याद रख लीजिए, आगे का जो है ना आंसर को लंबा तो आप खुद ही कर लेंगे और वो कैपेसिटी आपके पास होनी भी चाहिए कि आप आंसर को लेंथ वाइज कैसे बढ़ा सके ठीक है ना। तो रिफ्ट वैली सिस्टम आपका होता क्या है, रिफ्ट वैली सिस्टम एक लीनियर शेप्ड नैरो डिप्रेशन होता है या फिर फॉल्ट होते हैं अर्थ सर्फेस पे, जो कि कब डेवलप होते हैं, दे आर डेवलप ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट पे एक्सटर्नल फोर्सेज आते हैं लाइक आपके अर्थक्वेक क्रिएट हुआ तो अर्थक्वेक में भी एक्सटर्नल फोर्स आ, तो फिर उसकी वजह से जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेज क्रिएट हुए उसकी वजह से फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, एक लीनियर शेप्ड नैरो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, रिफ्ट वैली उसी को कहेंगे। ओके द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ द रिफ्ट वैली आर कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन्स और द होस्ट एंड इंटरवीनिंग ड्रॉप्ड ब्लॉक इज कॉल्ड अ ग्रैबन। अब आपका जो फॉल्ट बना, देखिए फॉल्ट किस तरीके से बनता है आपका, ये आपका फॉल्ट है ठीक है ना, मतलब आपका फॉल्ट नहीं है ये सबका फॉल्ट है कुछ इस तरीके से। ये अर्थ सरफेस, ये नॉर्मल सरफेस, इसके ऊपर ये फॉल्ट क्रिएट हुआ थोड़ा एलिवेटेड एरिया। अब इस एलिवेटेड एरिया में दो पॉइंट्स होते हैं, एक है होस्ट और एक है ग्रैबन ठीक है। नाउ द रिफ्ट वैली सिस्टम आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट, मतलब कि जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है ये ब्लॉक उसको आप कहोगे होस्ट, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होगा या ऊपर उठा हुआ ब्लॉक होगा उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा होगा या फिर आप कह लो कि नॉर्मल हिस्सा होगा उसे आप क्या कहोगे, ग्रैबन कहोगे। क्या कहोगे आप, ग्रैबन। आपको समझ में आया किस तरीके से करते हैं, जो अपलिफ्टेड एरिया होता है उसको हम कहेंगे होस्ट और जो नीचे वाला एरिया होता है उसे हम कहेंगे ग्रैबन। अब इस केस में क्या था, इस केस में तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर हुआ था, अब ज़रूरी थोड़ी कि अपलिफ्टमेंट कुछ इसी तरीके से हो। मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस कुछ इधर है ठीक है ना, अब नीचे भी तो चीज़ें जा सकती हैं, जब नीचे चीज़ जाएंगी तो इतना हिस्सा जो है मान लीजिए इधर तक आ गया, इतना हिस्सा भी क्या हुआ इधर तक आ गया और ये हिस्सा बराबर वहीं तक रहा, अभी भी फॉर्मेशन तो कुछ इसी तरीके से हो रहा है अपलिफ्टेड। तो इस केस में भी ये होस्ट होगा और ये ग्रैबन होगा, बट जो फॉल्टिंग है वो दो तरीके से हो सकती है आपके ठीक है ना।
तो इसी वजह से इनको रिफ्ट वैली या फिर ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है. व्हेन अ पीस ऑफ लैंड इनगल्फ बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्ट्स इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग देन इट रिजल्ट्स द ब्लॉक माउंटेन्स. अभी मैंने ब्लॉक बनाया था ना, अब वही ब्लॉक बहुत बड़ा अगर बनता है, ठीक है ना, तो उसको ब्लॉक माउंटेन अगर कहेंगे हम. इज इट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल इसके नर्मदा रिफ्ट वैली एंड सेंट्रल एशिया. नर्मदा रिफ्ट वैली इन सेंट्रल एशिया. ओके, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है फिफ्थ वाला पॉइंट, रेसिडुअल एंड रिलिक्ट माउंटेन्स. रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन्स थोड़ा सा आपका इरोशनल माउंटेन्स के जैसा ही है, बहुत थोड़ा सा. रेसिडुअल में क्या आता है, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोशन. मतलब कि वेदरिंग और इरोशन होने के बाद जो चीज़ बचती है, या वेदरिंग और इरोशन होने के बाद माउंटेन्स पे जो रहता है या माउंटेन्स की जो सिचुएशन हो जाती है, वही रिलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन बन जाता है. सो द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन आर विंड, ग्लेशियर्स, रिवर्स, ओशन. दे आर एक्टिव ऑन द अर्थ सरफेस, इरोड द ओल्ड माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. जो ओल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज होते हैं उनमें इरोजन क्रिएट होता है एट सम और ओवर द टाइम, ठीक है ना, टाइम पे क्या करते हैं कि इरोजन होने लगता है और वेदरिंग होने लगती है. सो दिस क्रिएट्स रिवील्स दिस बाय द टाइम लेवलिंग टू अ सर्टेन हाइट एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल और द रिलिक्ट माउंटेन्स, ठीक है ना. अब ये इरोड होते 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 वहाँ से इरोड होते होते वहाँ कुछ चीज़ें आई एक जगह पे इकट्ठा हो रही हैं और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर लेवलिंग क्रिएट हो रही है, कुछ हाइट में लेवल हो रहा है, तो उसको रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन्स कहेंगे हम, ठीक है ना. तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं वेदरिंग और इरोशन के. और ये वेदरिंग एजेंट्स हमने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं, और जब जैसे जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इरोजन के वो एक तरफ आते जाते हैं एंड ओवर द टाइम वो लेवलिंग होती जाती है, क्रिएट होती जाती है, मतलब ऊँचे 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 उठते जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. दीज आर फॉर्म्ड बाई डिफरेंशियल इरोजन बिकॉज बाई डिफरिंग इरोडेबिलिटी ऑफ रॉक्स इन द रीजन सर्टेन रेजिस्टेंट एरियाज कॉल्ड द मोनाटनॉक्स मे विदस्टैंड द लोअरिंग ऑफ द जियोलॉजिकल एजेंट्स. ये किसकी वजह से बनते हैं, ये डिफरेंशियल इरोजन की वजह से बनते हैं. और डिफरेंशियल इरोजन जो होता है वो क्या करता है, जो है आपके रॉक्स को इरोड तो करता है, बट कुछ इस तरीके से करता है कि वहाँ पर इरोजन जो हो वो पूरी तरीके से ना हो, ठीक है ना, डिफरेंशियल इरोजन हो. तो उस तरीके से उन रॉक्स पे इरोजन होगा तो सर्टेन कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं, मैंने कहा था ना पूरी तरीके से इरोजन नहीं होता, तो कुछ एरियाज जो होते हैं वो रह जाते हैं, रेजिस्टेंट एरियाज होते हैं या फिर वहाँ पर इरोजन नहीं हो सकते उनके, उन पर कुछ ऐसा कंपोजिशन होता है, तो उन एरियाज को हम मोनाटनॉक्स कहते हैं जो कि इन जियोलॉजिकल एजेंट से बच सकते हैं या बच जाते हैं. नाउ इसके एग्जांपल क्या है, रिलिक्ट रेसिडुअल माउंटेन्स के, अनामलाई, नीलगिरी एंड अरावलीस. ओके, दीज आर थ्री एग्जांपल्स, अनामलाई, नीलगिरी एंड अरावलीस. तो ये आपका यहाँ से एंड हो चुका है द क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजिन. अब देखिए इसमें फोल्ड माउंटेन्स मैंने आपको भी पढ़ाया था ना, जो फोल्डेड सरफेस की वजह से क्रिएट होता है, उनके ही दो टाइप्स होते हैं, यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, शॉर्ट में. देखिए यंग फोल्ड माउंटेन्स आपके क्या होते हैं, वो हाईएस्ट और मोस्ट रग्ड माउंटेन्स जो कि अभी अभी बने, अभी अभी इन द सेंस 25 to 10 million ईयर्स अगो बने, और ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट होते हैं और इसमें इरोजन एक्ट होता है. एग्जाम्पल एल्प्स और एंडीज. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आपके क्या होते हैं, ये थोड़े से एंशियंट माउंटेन्स होते हैं जो कि मोर देन 200 million ईयर्स अगो होते हैं. मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मतलब जो पुराने माउंटेन्स हो, इरेगुलर फॉर्म होती है इनमें पीक्स की, जिनको हम मोनाटनॉक्स कहते हैं. ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताई दिया था मोनाटनॉक्स किसे कहते हैं, वो रॉक्स जिन पे डिफरेंशियल इरोजन होता है उन्हें हम कहते हैं. सो ये आपका था ओल्ड फोल्ड और यंग फोल्ड माउंटेन्स में. अब थोड़ा सा हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द स्लो बट गाइगेंटिक मूवमेंट. जाइजेंटिक पढ़ लीजिए इसको या गाइगेंटिक पढ़ लीजिए, मतलब इसका यही रहेगा लार्ज मूवमेंट या बहुत वास्ट डिवास्टेटिंग मूवमेंट हो. जैसे कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें पता चलता है जब प्लेट्स के कोलिजन की वजह से बहुत वास्ट डिस्ट्रक्शन हुआ था, या हमारे जो
कॉन्टिनेंट्स थे वो बिल्कुल ही अलग अलग हो गए थे. तो ये डिवास्टेटिंग और गाइगेंटिक मूवमेंट ही तो हुआ था. तो माउंटेन्स इन्हीं गाइगेंटिक मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं एंड डिफॉर्मेशंस की वजह से बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग इज जनरली एक्सप्लेन बेसिस ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन. किसकी बेसिस पे? मोड ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पे. नाउ जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? कंप्रेशन, स्क्वीजिंग, फोल्डिंग, अपलिफ्टमेंट ऑफ द थिक पाइल ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स ऑन द ओशन बेसिस. ठीक है ना. अब फोल्ड माउंटेन्स किसकी वजह से बनते हैं? कंप्रेस्ड हो रही हैं कोई चीज़ें, स्क्वीज कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो या अपलिफ्ट कर रहे हो सेडिमेंट्स को, उसकी वजह से ओशन बेसिन पर फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. द माउंटेन्स प्रोसेस, द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द ओरोजेनिक प्रोसेसेस. अब इस पूरे चैप्टर की हेडिंग ही आपकी यही थी, माउंटेन बिल्डिंग एंड ओरोजेनिक प्रोसेसेस. माउंटेन बिल्डिंग का तो मतलब समझ में आ गया कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं. ओरोजेनिक का मतलब क्या होता है? यही प्रोसेसेस जो माउंटेन बिल्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं प्रोसेसेस को ओरोजेनिक प्रोसेसेस हम कहते हैं. इज इट क्लियर? आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है. नेक्स्ट वीडियो हम जियोसिंक्लाइन थ्योरी कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.